हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड का सिलेबस कराया जा रहा है और यूपी बोर्ड के सिलेबस में इस समय जो है वो कराया जा रहा है 12 एजी की जियोलॉजी, 12 एग्रीकल्चर के स्टूडेंटों के लिए है जियोलॉजी। और जियोलॉजी के 3 चैप्टर हमारे यहाँ कम्प्लीट हो चुके हैं और चौथा चैप्टर है। ठीक है, आज इस वीडियो में हम चौथा चैप्टर पढ़ेंगे। चौथे चैप्टर का नाम है संघ प्रोटोजोआ, यानी फाइलम प्रोटोजोआ। तो दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टेड वीडियो होने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। दोस्तों, जितने भी अब तक 10 सालों में क्वेश्चन आ रखे हैं इस चैप्टर से, वन लाइनर वाले या ऑप्शनल प्रश्न, वो सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट मैंने इस वीडियो में लिए हैं। और इस वीडियो के लास्ट में एक ऐसा क्वेश्चन, मैं लॉन्ग क्वेश्चन आपको ऐसा बताऊंगा, ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा, जो आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा, उसे आप भूलने वाले नहीं हैं। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर ले और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर ले। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण सूचना सुनिए। देखिए, हर रविवार को 1 बजे लाइव टेस्ट होता है। लाइव टेस्ट होता है दोस्तों, उस लाइव टेस्ट से आप जुड़िए। आपको देखिए बहुत सारी नॉलेज मिलेगी अगर आप हर रविवार को 1 बजे लाइव आएंगे, लाइव मुझसे जुड़िए। वहां पे अच्छे से टेस्ट कराया जाता है। ठीक है, अब क्या कर रखा है मैंने, देखिए मैंने अब ये कर रखा है, अगले रविवार से 1 बजे आपको 11 एजी प्लस 12 एजी के कंबाइंड 5 सभी सब्जेक्टों के, आल सब्जेक्टों के जो ऑप्शनल वाले क्वेश्चन होते हैं उनको कंबाइंड करके अब प्रैक्टिस सेट बनाया है। वो कंबाइंड करके प्रैक्टिस सेट इसलिए बनाया है कि जब आप यूपी कैडेट का एग्जाम देने जाओगे, कौन सा यूपी कैडेट, तो वहां से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो प्लीज आप हर रविवार को 1 बजे, ठीक है, लाइव टेस्ट जरूर दीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो बिना स्किप करे बिल्कुल लास्ट तक देखना है आपको। लास्ट तक आप देखोगे तब वीडियो में आपको कुछ समझ में आएगा, अन्यथा दोस्तों कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो हम क्वेश्चन की करते हैं शुरुआत। देखिए, सबसे पहला ही क्वेश्चन, ये दोस्तों सभी क्वेश्चन हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप अपनी फेयर कॉपी में नोट करके रखिए। देखिए, आपको आपका पहला क्वेश्चन है वो दे रखा है कि अमीबा में प्रचलन अंग होता है, क्या होता है, क्या कह रहा है, अमीबा में प्रचलन अंग होता है। अब प्रचलन का मतलब अगर मैं दूसरा शब्द कहूँ तो दूसरा शब्द बेटा गमन भी होता है, क्या होता है, गमन। अगर गमन की का ना कह करके तीसरा नाम दूं तो इसे हम चलना भी कहते हैं, क्या कहते हैं, चलना। देखिए, अब वो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, वो आपसे इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप ये बताइए अमीबा में गमन होता है, चाहे वो गमन पूछे, चाहे वो प्रचलन पूछे, चाहे वो चलना पूछे। देखिए, तीनों का मतलब एक ही है, क्योंकि अमीबा किसके द्वारा चलता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हो गया अमीबा किसके द्वारा गमन करता है, तो भी आंसर हमारा वही। और तीसरा क्वेश्चन हो गया कि अमीबा में प्रचलन अंग क्या है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अपनी कॉपी में नोट करिए, फिर कॉपी में नोट करिए, तो इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा कूटपात द्वारा, किसके द्वारा, कूटपात द्वारा। दोस्तों, ये आंसर हो जाएगा हमारा, यानी अमीबा में जो प्रचलन होता है या अमीबा जो जिसके द्वारा चलता है या अमीबा में जो गमन होता है किसके द्वारा होता है, कूटपात के द्वारा। तो एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट होता है समाप्त। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपका दे रखा है कि पैरामीशियम में प्रचलन अंग क्या है। देखिए, जिस प्रकार से इसमें पूछा है कि अमीबा में प्रचलन होता है, सेम क्वेश्चन वही पैरामीशियम से भी पूछा गया है कि पैरामीशियम में प्रचलन होता है, तो बेटा आपको बताना है कि पैरामीशियम में प्रचलन किसके द्वारा होता है, या पैरामीशियम में गमन किसके द्वारा होता है, या पैरामीशियम किसके द्वारा चलता है। अब आप थोड़ी सी बात को समझिए,
देखिए आपने पैरामीशियम की स्ट्रक्चर इस टाइप से पढ़ी होगी, इस टाइप की स्ट्रक्चर होगी और पैरामीशियम में इस प्रकार से ये साइड से निकले हुए होते हैं, ये होते हैं ना साइड से। जैसे आप अगर मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी में आप इसे क्या बोलते हो, रोमांग। हिंदी में आप इसे क्या बोलोगे, रोमांग। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में आप क्या बोलोगे, सीलिया। क्या बोलोगे, सीलिया। क्या, सीलिया। यानी ये चीज है जो सीलिया या फ्लैजला या रोबाम, ये रोबाम हिंदी है इसकी रोबाम, इंग्लिश में बोलते हैं सीलिया। इसके द्वारा ये चलता है, इसके द्वारा ये लगे हुए हैं इसके द्वारा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि पैरामीशियम में प्रचलन होता है किसके द्वारा होता है, तो आपका करेक्ट आंसर आपको पता चल गया किसके द्वारा, सीलिया के द्वारा। तो देखिए दो क्वेश्चन हमें, दो का आंसर हमें मिल चुके हैं, दो क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आप कॉपी पर नोट करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पैरामीशियम में प्रचलन किसके द्वारा होता है, सीलिया के द्वारा। वो आपसे बार बार घुमा के प्रश्न पूछेगा, ठीक है, वो आपने देखिए यहाँ पे लिखा है प्रचलन, तो वो आपको घुमा देगा, फिर क्या पूछ लेगा कि आप ये बताइए अमीबा में गमन किसके द्वारा होता है। तो बेटा गमन और प्रचलन दोनों की एक ही बात है, यानी चलने और फिरना बात एक ही है। जैसे अपने अपने इंसान किसके द्वारा चलते हैं, टांगों के द्वारा यानी पैरों के द्वारा, इसी प्रकार से पैरामीशियम किसके द्वारा चलता है, सीलिया द्वारा, और अमीबा किसके द्वारा चलता है, उत्पाद के द्वारा। अगला देखिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी दोस्तों चुनिंदा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है हमारा कि पैरामीशियम में गुरु तथा लघु केंद्रक का क्या कार्य है। कोई स्टूडेंट है जो बता सकता है, कोई हमारा ऐसा स्टूडेंट जो बता दे कि पैरामीशियम में गुरु और लघु केंद्रक का क्या कार्य है। देखिए क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे समझिए आप। देखिए जो पैरामीशियम है, पैरामीशियम के अंदर दो केंद्रक पाए जाते हैं, एक केंद्रक होता है गुरु, दूसरा केंद्रक होता है लघु। गुरु का मतलब होता है बड़ा और लघु का मतलब होता है छोटा, यानी गुरु का मतलब बड़ा केंद्रक और लघु का मतलब छोटा केंद्रक। कितने केंद्रक, दो केंद्रक, कौन कौन से, गुरु और लघु। अब यह पूछ रहा है कि आप ये बताइए गुरु केंद्रक का क्या काम है। तो दोस्तों जो गुरु केंद्रक है उसका आंसर आप लिखिए, गुरु केंद्रक क्या करता है, जैविक क्रियाओं को कंट्रोल करता है, जैविक क्रियाओं को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। अगर लघु केंद्रक की बात करें तो लघु केंद्रक की क्रियाओं को, जनन क्रियाओं को, जनन क्रियाओं को क्या करता है, कंट्रोल करता है, कंट्रोल करता है। समझ गया मेरी बात, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। देखिए पैरामीशियम, हमारा क्वेश्चन ये है कि पैरामीशियम में गुरु तथा लघु केंद्रक का क्या कार्य है, यहां से क्वेश्चन ये बन गया आपका। तो भाई एक बात और ध्यान रखनी है, अब आपको इतना समझ लेना है कि पैरामीशियम में भाई दो केंद्रक होते हैं, जो पहला केंद्रक है वो गुरु केंद्रक, दूसरा है लघु केंद्रक। अब गुरु का मतलब होता है बड़ा, लघु का मतलब होता है छोटा। एक केंद्रक ऐसा है जो बड़ा है, दूसरा केंद्रक ऐसा है जो छोटा है। तो जो गुरु केंद्रक है उसका काम होता है जैविक क्रियाओं को कंट्रोल करने का, और लघु केंद्रक है उसका काम होता है जनन क्रियाओं को कंट्रोल करने का। दोस्तों तीन क्वेश्चन आपके महत्वपूर्ण थे, ये समाप्त हुए। अगला प्रश्न भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है। देखिए अमीबा में बहुखंडन किन परिस्थितियों में होता है, ये कह रहा है कि अमीबा में आप बताइए बहुखंडन, क्या लिखा है, बहुविखंडन, ये लिखा है बहुविखंडन किन परिस्थितियों में होता है। परिस्थिति का मतलब होता है कंडीशन यानी सिचुएशन, किस प्रकार की कंडीशन है, किस प्रकार की परिस्थितियों में होता है, क्या होता है, बहुविखंडन, किसमें, अमीबा में, ये आपको बताना है। देखिए कंडीशन तो दो ही होती है, आपको पता है, एक होती है कंडीशन अनुकूल और दूसरी होती है प्रतिकूल। कौन सी होती है, प्रतिकूल। तो हमेशा ध्यान रखना है आपको, क्या ध्यान रखना है
कि अमीबा में जब भी बहुविखंडन की बात आए तो बहुविखंडन किन परिस्थितियों में होगा? हमेशा प्रतिकूल परिस्थितियों में होगा, प्रतिकूल। तो इसका आंसर आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, अमीबा में बहुविखंडन, अमीबा में बहुविखंडन किन परिस्थितियों में होता है? आपका आंसर क्या होना चाहिए? प्रतिकूल परिस्थिति। नेक्स्ट, इसका उत्तर समझिए आप। अगला क्वेश्चन है हमारा, अमीबा में संकुचनशील रिक्त का क्या कार्य है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे तो स्टार आप बना ही लीजिए, इसलिए इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रैक्टिकल के समय आपने 11 एजी में भी देखा होगा, अब 12 एजी में भी देखोगे, बच्चे बना के क्या लाते हैं? चार्ट पर। चार्ट पर क्या बना के लाते हैं? पैरामीशियम अमीबा, पैरामीशियम अमीबा। ज्यादातर बच्चों का पैरामीशियम और अमीबा ही बना हुआ होता है, और एग्जामिनर आपसे बहुत ही जल्दी क्वेश्चन पूछ लेता है जो अमीबा बना के लेके जाता है उनसे, कि अमीबा में संकुचनशील रिक्त का क्या काम है? ये भाई संकुचनशील रिक्त का लगी हुई होती है, इसका काम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं बताता हूँ आपको कि संकुचनशील रिक्त का क्या काम है, किसके अंदर? ये अमीबा के अंदर की बात कर रहा है, ना कि पैरामीशियम के। क्या कह रहा है? अमीबा में संकुचनशील रिक्त का क्या कार्य है? तो आपको एक शब्द ध्यान रखना है, कौन सा शब्द आपको ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है परासरण नियंत्रण करना, परासरण को क्या करना? नियंत्रण करना। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आपको जल्दी से एक बार फिर से याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, हमेशा हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा, 100 बार वीडियो देखोगे सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए अमीबा में प्रचलन होता है, यानी अमीबा किसके द्वारा चलता है या अमीबा में गमन किसके द्वारा होता है? आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कूटपात। दूसरा है, पैरामीशियम में प्रचलन किस प्रकार होता है, यानी पैरामीशियम किसके द्वारा चलता है, गमन किसके द्वारा होता है पैरामीशियम में? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सीलिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पैरामीशियम में गुरु तथा लघु केंद्रक का क्या कार्य है? तो आपको बताना पड़ेगा कि गुरु का मतलब होता है बड़ा, लघु का मतलब होता है छोटा। दो केंद्रक पाए जाते हैं, पहला केंद्रक गुरु केंद्रक, दूसरा केंद्रक लघु केंद्रक। तो गुरु केंद्रक का काम होता है जैविक क्रियाओं को कंट्रोल करने का, जबकि लघु केंद्रक का काम होता है जनन क्रियाओं को कंट्रोल करने का। नेक्स्ट, अमीबा में बहुविखंडन किन परिस्थितियों में होता है? तो अमीबा में बहुविखंडन की बात आई तो हमेशा किस कंडीशन में? प्रतिकूल परिस्थितियों में, प्रतिकूल कंडीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा में संकुचनशील रिक्त का क्या कार्य है? अब संकुचनशील रिक्त का क्या कार्य है? परासरण को कंट्रोल करने का। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ, ये इतना मोस्ट क्वेश्चन है, इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हमारा क्वेश्चन है कि संघ फाइलम, संघ को इंग्लिश में हम बोलते हैं फाइलम, क्या बोलते हैं? फाइलम। प्रोटोजोआ को इंग्लिश में प्रोटोजोआ, ठीक है। फाइलम प्रोटोजोआ के सामान लक्षण बताइए। आपसे 2 अंक का क्वेश्चन पूछा जा सकता है और यही क्वेश्चन आपसे 4 अंक का भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है। अब मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा इस क्वेश्चन का आंसर, जो हमेशा हमेशा आपको याद हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए। देखिए ट्रिक हमारी क्या है, अब आप इतना जानते हो, देखिए ये लिखा है प्रोटोजोआ, क्या लिखा है? प्रोटोजोआ। अब मैं आपसे ये कहूं कि आपको कितना ध्यान रखना है, आपको याद ये रखना है प्रोटोजोआ का पीए, क्या याद रखना है? प्रोटोजोआ का पीए। अगर आपको इतना ध्यान रहा
कि प्रोटोजोआ का पीए हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, प्रोटोजोआ का पीए। तो समझो आपको पूरा क्वेश्चन, पूरा सारे लक्षण आपको याद हो गए। कैसे याद हो गए समझिए, इस ट्रिक को समझिए ध्यान से। देखिए फाइलम प्रोटोजोआ, पी फॉर प्रोटोजोआ, ठीक है। अब प्रोटोजोआ में हमने संग फाइलम प्रोटोजोआ में पढ़ा था, पी फॉर पढ़ा था पैरामीशियम, पैरामीशियम, और दूसरा पढ़ा था हमने अमीबा है। तो और भी युगलिना भी है आपके सिलेबस में, लेकिन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पैरामीशियम और अमीबा। अब आपके दिमाग में, आपके माइंड में ये सेट हो गया कि फाइलम, चाहे वो पैरामीशियम, फाइलम जो प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ के अंतर्गत क्या आता है। तो फाइलम प्रोटोजोआ के अंतर्गत हमने देखा, क्या देखा, कि पैरामीशियम आता है और अमीबा आता है। ये बात हमारे दिमाग में बैठ गई, क्या बैठी, किसके लक्षण लिखने थे, फाइलम प्रोटोजोआ, फाइलम प्रोटोजोआ के सामान्य लक्षण लिखने थे। अब हमें पता चल गया कि फाइलम प्रोटोजोआ के अंतर्गत क्या आता है, प्रोटोजोआ का पीए, पी का मतलब पैरामीशियम, ए का मतलब अमीबा, पैरामीशियम आता है और अमीबा आता है। तो हमें लक्षण किन के लिखने हैं, तो दोस्तों हमें लक्षण लिखने हैं पैरामीशियम और अमीबा के। तो जाहिर सी बात है, जब हमें ट्रिक याद हो गई कि प्रोटोजोआ का पीए, तो हमेशा हमेशा हमें इसके लक्षण भी याद हो गए। कैसे याद हो गए समझिए, अब हम करेंगे फर्स्ट पॉइंट की बात, ठीक है दोस्तों। इसका नोट मैं दे दूंगा आपको, आप धैर्य से समझिए, ठीक है। और पॉइंट को नोट कराना चाहो तो मैं नोट भी आपको करा दूंगा। समझिए फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट है कि पैरामीशियम और अमीबा किन स्थानों पर पाया जाता है, तो आपको ये बताना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए, देखिए पैरामीशियम अमीबा जल में पाए जाते हैं, जल का मतलब नदियों, तालाबों, पोखरों, नम स्थानों पर ये पाए जाते हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर, पहला पॉइंट आपका समाप्त हो गया। आपसे यही क्वेश्चन है, पहला लक्षण यही हो जाएगा कि पैरामीशियम अमीबा आपके दिमाग में आना चाहिए कि कहाँ रहते हैं, किस जगह निवास करते हैं। तो हमने हमें पता है कहाँ, जल में। कैसे स्थानों पर, नम स्थानों पर, तालाबों में, पोखरों में, नदियों में, झीलों में। क्लियर, फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट समझिए, सेकंड पॉइंट, अब सेकंड पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि भाई फाइलम प्रोटोजोआ के अंतर्गत हमने पैरामीशियम पढ़ा और अमीबा पढ़ा, तो फाइलम प्रोटोजोआ में गमन किन के द्वारा होता है, गमन का मतलब किन के द्वारा प्रचलन होता है। तो अभी हमने पढ़ा कि फाइलम प्रोटोजोआ में पैरामीशियम गमन करता है सीलिया द्वारा, किसके द्वारा, सीलिया द्वारा, जबकि अमीबा गमन करता है उपाद द्वारा। तो दोस्तों दूसरा लक्षण आपका बनके तैयार होगा। तीसरा पॉइंट समझिए, तीसरा पॉइंट आपका ये हो जाएगा, देखिए ये पैरामीशियम है और ये अमीबा है। अब आप मुझे बताइए कि आपने कभी अपनी आंखों से इस पैरामीशियम को और अमीबा को क्या देखा है। आप कहोगे जी नहीं, बिल्कुल नहीं देखा। तो किस चीज से देखा जा सकता है दोस्तों, पैरामीशियम और अमीबा बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, सूक्ष्म का मतलब बहुत छोटे होते हैं, इसलिए हम इसे नग्न आंखों से नहीं देख सकते। तो किसकी सहायता से देखेंगे, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। तो तीसरा पॉइंट क्या हो गया कि पैरामीशियम और अमीबा को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि ये अति सूक्ष्म होते हैं, इन्हें हम किसके द्वारा, माइक्रोस्कोप के द्वारा, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि प्रोटोजोआ, फाइलम प्रोटोजोआ में पैरामीशियम सीलिया के द्वारा चलता है, जबकि अमीबा उत्पाद के द्वारा चलता है। और फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ था आपका कि ये पाए कहाँ जाते हैं, तो आपने लिखा नदियों, तालाबों, नम स्थानों, पोखरों, इन स्थानों पर ये पाए जाते हैं। तो पहला पॉइंट आपको याद हुआ भाई, फाइलम प्रोटोजोआ के अंतर्गत आपने देखा क्या आया, प्रोटोजोआ का पीए, पी का मतलब पैरामीशियम, ए का मतलब अमीबा। अब हमारे दिमाग में ये आया कि पैरामीशियम और अमीबा के हमें क्या लिखना है, लक्षण लिख दिए।
तो हमने देखा पैरा विषय विभाग कहाँ पाया जाता है, नदियों तालाबों पोखरों तथा नम स्थानों में ये पाया जाता है, एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हमने देखा कि पैरा विषय चलता किसके द्वारा, सीलिया द्वारा, अमीबा चलता है कोटपाद के द्वारा, दो पॉइंट याद हुए। तीसरा पॉइंट हमने देखा कि पैरा विषय और अमीबा बहुत सूक्ष्म होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, जिसे हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, तो इसे देखने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, सूक्ष्मदर्शी की। चौथा पॉइंट देखिए, चौथा पॉइंट समझिए, प्रोटोजोआ में जो जनन होता है ना, जनन अगर हम इस प्रोटोजोआ फाइलम के अंतर्गत जनन की बात करें तो जनन दो प्रकार का होता है, एक होता है सेक्सुअल, दूसरा होता है एसेक्सुअल। अब हिंदी में बात करूं तो जनन होता है बेटा इसमें लैंगिंग तथा या कॉमा लैंगिंग कॉमा अलैंगिंग कर दे रहा हूं, अलैंगिंग लैंगिंग कॉमा अलैंगिंग, यानी सीधे सीधे बोल सकते हो आप इंग्लिश में लैंगिंग को सेक्सुअल बोलते हैं, अलैंगिंग को एसेक्सुअल बोलते हैं। तो जनन का मतलब होता है रिप्रोडक्शन, जनन का क्या मतलब होता है, रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का, दो प्रकार का, कौन कौन सा, सेक्सुअल और एसेक्सुअल, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। यानी जो फाइलम प्रोटोजोआ है उसके अंतर्गत जो आपका जनन होता है वो कैसा होता है, लैंगिंग तथा अलैंगिंग। आपके दोस्तों चार पॉइंट बिल्कुल कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट पॉइंट, अब आपने ये देखा कि भाई अमीबा और पैरामीशियम है ये किस प्रकार के जीव हैं, एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है। तो देखिए ये तो आपको पॉइंट रटा होना चाहिए, एक कोशिकीय, कैसे एक कोशिकीय। देखिए फाइलम प्रोटोजोआ के अंतर्गत जो भी सूक्ष्म जंतु आते हैं वो कैसे होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। एक कोशिकीय में आप पैरामीशियम अमीबा आपका एक कोशिकीय जंतु है। नेक्स्ट, अगले पॉइंट की बात करूं, अगला पॉइंट है छठा, अगर हम इसमें केंद्रक की बात करें, देखिए केंद्रक आपको मैंने बताया था कि गुरु और लघु केंद्रक वो वाली बात, तो केंद्रक इसमें एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, ठीक है, और अनेक भी हो सकते हैं। तो आप इसमें ये लिख सकते हो कि फाइलम प्रोटोजोआ में केंद्रक एक दो और अनेक भी हो सकते हैं। पॉइंट समझ में आया। सातवा पॉइंट, अब इनका जो शरीर होता है, इनके शरीर की बात कर रहा हूं, सातवा पॉइंट, ये नग्न तथा पेलिकल, पेलिकल, पेलिकल को हिंदी में मैं आपको बता चुका हूं क्रोमोसोम पढ़ाते समय होता है आवरण। आवरण का मतलब होता है चारों ओर से ढके रहना, कोई भी चीज अंदर की हुई, जैसे ये है, ये सपोज दैट आपकी बॉल है, क्या है, बॉल है, और बॉल को किसी चीज से आपने ढक लिया, ढक लिया, तो ये बाहरी चीज आपकी क्या कहलाई, ये दोस्तों पेलिकल है। पेलिकल का मतलब आवरण, यानी जो बाल है आपकी वो बॉल इस आवरण से ढकी हुई है, इस वाले आवरण से ढकी हुई है, तो ये चीज पेलिकल है। तो समझिए कि इनका जो शरीर है वो नग्न तथा पेलिकल से ढका रहता है, नग्न होता है, पेलिकल से ढका रहता है। ये थे सातों पॉइंट, ठीक है, एक बार जल्दी जल्दी से मैं रिपीट कर रहा हूं, आप लिखिए, नोट कर सकते हो कर लीजिए। पहला पॉइंट आप नोट कर सकते हो कि फाइलम प्रोटोजोआ के सामान्य लक्षण, ये क्वेश्चन था। पहला पॉइंट लिख सकते हो कि संघ प्रोटोजोआ के जंतु नदियों तालाबों नम स्थानों तथा पोखरों में पाए जाते हैं। दूसरा लिख सकते हो आप कि हम संघ प्रोटोजोआ के जंतुओं को सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं, क्योंकि ये अति सूक्ष्म होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, इसलिए हम इसे नग्न आंखों से नहीं देख सकते। अगला पॉइंट लिख सकते हो कि पैरामीशियम में गमन सीलिया द्वारा होता है, जबकि अमीबा में गमन कोटपाद के द्वारा होता है। अगर हम इन दोनों में जनन की बात करें तो जनन कैसा होता है, लैंगिक जनन होता है और अलैंगिक जनन होता है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फाइलम प्रोटोजोआ के जंतु एक कोशिकीय होते हैं, और हम केंद्रक की बात करें
तो केंद्रक एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं और अनेक भी हो सकते हैं। इन्हें नग्न या तथा पेलिकल, ये पॉइंट आप नोट कर लेना। शरीर जो होता है ना, बॉडी, शरीर, शरीर का मतलब बॉडी, शरीर नग्न तथा पेलिकल से ढका रहता है। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही था। अब मैं आपको अगली वीडियो लेके आऊँगा प्रोटोजोआ की, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटोजोआ की। दूसरी वीडियो लेके आऊँगा संघ प्रोटोजोआ के स्ट्रक्चर की। प्रोटोजोआ में आपने दो चीज़ें पढ़ोगे, आप सिलेबस में तो कई हैं, तीन चार चीज़ें हैं, लेकिन पढ़ोगे आप दो के लिए, पैरामीसियम और अमीबा के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो होगी स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा, अमीबा की संरचना के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तीसरी वीडियो होगी वो होगी पैरामीसियम की संरचना के बारे में, ठीक है। तो तीन वीडियो में ये आपका चौथा चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। और आपको देखिए व्हाट्सएप नंबर मेरा दे रखा है, मैं आपको बता दूं कि आपको बाकायदा नोट्स चाहिए, जैसा मैं पढ़ाता हूँ वैसे आपको नोट्स चाहिए, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8650415957। इस नंबर पे आप कॉल करिए, आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा और 24 घंटे के अंदर आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लूँगा। इसके बाद आपको व्हाट्सएप नंबर पे आपके नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों जिसको नोट्स चाहिए वो व्हाट्सएप नंबर पे मेरे संपर्क कर सकता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।